हेलो दोस्तों, नमस्कार। छठ पूजा की विधि नियम सामग्री लिस्ट। दोस्तों, छठ पूजा बहुत ही बड़ा पर्व है। ये पर्व 3 दिन मनाया जाता है। कहा जाता है कि जिसको संतान नहीं है वो इस पूजा को विधि विधान से करते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। षष्ठी के दिन यह पर्व मनाया जाता है। छठी मैया सूर्य भगवान की बहन है। लोग इस त्यौहार को बिना अन्न जल ग्रहण किए 36 घंटे तक उपवास करते हैं। छठ पर्व 4 दिन का उत्सव है और छठ पर विशेष पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, यह व्रत बिल्कुल एक तपस्या की तरह है। यह व्रत करने से पहले संकल्प लिया जाता है और पूरी शुद्धता के साथ घी में पकवान और अनेक तैयारियाँ की जाती है। इसलिए अगर आप अकेले हैं तो किसी की आप सहायता जरूर ले लें। छठ महापर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू हो जाता है। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को पूर्ण होता है। कार्तिक में प्रथम दिन चतुर्थी को नहाय खाए से शुरू किया जाता है। प्रथम दिन श्रद्धालु लोग अपने घर को पूरी तरह से साफ सफाई करके शुरू करते हैं। नहाने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। आप जल में थोड़ा अक्षत गंगा जल और पुष्प डाल लें। अर्घ देते समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, मुझे मेरा व्रत अच्छी तरह से पूर्ण हो, इसलिए आप मुझे शक्ति दें। अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। इस तरह संकल्प करें। आप ये संकल्प ले लीजिए तो आप छठी मैया को आमंत्रित करें कि हे छठी मैया, आप मेरी पूजा को स्वीकार करिए, मेरे घर में आ जाइए। छठी मैया को बुलाने के बाद मन को शुद्ध रखना है और किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। नहाए खाए के दिन वाला भोजन शुद्ध घी में बनता है और सेंधा नमक डालना होता है। सब कुछ नया होना चाहिए, पहले वाला यूज नहीं करना है। जैसे हल्दी पाउडर, चावल, चने की दाल, सेंधा नमक, शुद्ध घी, बेसन, कद्दू, ये सारी चीज़ें मंगा लें और शुद्धता से बना लें। चावल बनता है, लौकी की सब्जी बनती है, चने की दाल बनती है, कई जगह पर पकौड़े भी बनाए जाते हैं। सारा खाना शुद्ध घी में बनाया जाता है। घर में जो व्रत नहीं करते हैं वो भी उस दिन से लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। जो व्रती होते हैं सारे सामग्री में से निकाल कर पहले छठी मैया को अर्पित करते हैं, उसके बाद खुद खाना खाते हैं। छठी मैया को अर्पित किया हुआ सबको प्रसाद के रूप में बांट देना है। इस प्रकार पहला दिन का व्रत पूर्ण हुआ। और दोस्तों, छठ पूजा में नए वस्त्रों का उपयोग किया जाता है और प्रसाद बनाने के लिए नए चूल्हे या साफ सफाई किया हुआ शुद्धता का विशेष ध्यान देना होता है। दूसरा दिन खरना के रूप में मनाया जाता है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी को खरना किया जाता है। शाम को एक लोटा जल ले लें, उसमें थोड़ा पुष्प और रुई ले लें और सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। खरना वाले दिन भर उपवास करें। शाम को सूर्य भगवान को जल दें। शाम को गुड़ का खीर और घी की रोटी बनाएं और जो व्रती होते हैं छठी मैया को अर्पित करें और ग्रहण करें। इस बात का भी ध्यान रखना है कि रोटी में घी लगा होना चाहिए, सूखी नहीं होने चाहिए। और जो नए वस्त्र आप लाए हैं पहन लें, तब भोजन बनाए। खरने वाले दिन बनाने के बाद वस्त्र खोल दें, उसको जूठा नहीं करना है। यदि जूठा हो गया है तो उसे धो लेना है। दोस्तों, खरने वाले दिन साठी का चावल उपयोग किया जाता है। अगर आपको बाहर रहते हैं वहाँ नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी चावल
इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तीसरा दिन षष्ठी के दिन उस दिन सारे दिन निर्जला व्रत किया जाता है। इस दिन अन्न जल नहीं ग्रहण किया जाता है। इस दिन शाम को अर्घ देते हैं। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार चावल का लड्डू पकवान बनाया जाता है। बांस का सूप दौरा होता है और उसे फलों से सजाया जाता है। पीली कपड़े से ढककर छठी माँ के यहाँ ले जाया जाता है। सारे सामग्री को धोकर ले जाएं। ऐपन बनाकर हाथों को डुबाना है और कलसुप पर छाप छोड़ना है। सारे फलों पर थोड़ा थोड़ा करके लगा दें और सिंदूर भी लगा देना है। सामग्री की लिस्ट में आपको बता देती हूँ। सिंदूर, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, गड़ी गोला, किशमिश, छुहारा, देवधूप, कपूर, सुपारी, लौंग, अगरबत्ती, दही, रुई। फल, नारियल, नारंगी, सेब, केला, अनानास, अमरुद, आंवला, बड़ा नींबू, सिंघाड़ा, शरीफा, ऊख, अनार, मौसमी, कोहरा, मूली, कंद, सुथनी, आदि पत्ता, हल्दी पत्ता, पान सुपारी, पुष्प ले लें। ये सब टोकरी में सजाकर पीले कपड़ों से ढककर सिर पर लेकर जाया जाता है। अपने साथ एक तांबा का लोटा ले लें, उसमें गंगा जल डालकर ऊपर से घी का दीपक जला लें और छठी घाट पर जाया जाता है। सिंदूरदानी ले लें, ऐपन ले लें। एक कटोरी में थोड़ा हल्दी और चावल मिलाकर ऐपन तैयार होता है। जहाँ पर अर्घ की व्यवस्था है वहाँ जाकर अर्घ देने की विधान है। उससे पहले पानी में डुबकी लगाकर खड़े रहते हैं। सूप में सब सामान रखने के बाद उसी सूप से अर्घ दिया जाता है और सुबह भी इसी विधि से उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सामग्री सब नई रहती है और नाक के ऊपर से सिंदूर लगाया जाता है और व्रती लोग हाथ में नारियल अगरबत्ती लेकर पानी में खड़े रहते हैं। सूर्य उगने पर अर्घ दिया जाता है। इस प्रकार व्रत पूर्ण करने के लिए वहाँ कपूर का हवन किया जाता है। इस प्रकार व्रत पूर्ण हो जाता है। सुबह गर्म पानी या चाय पिया जाता है, नहीं तो अदरक गुड़ डालकर चाय बनाकर पी लें। इससे शरीर ठीक रहता है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।